दिल्ली एनसीआर में अगले एक हफ्ते तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में हीट वेव यानी कि गर्मी की लहर चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पारा और चढ़ेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में मार्च में बारिश कम होने की वजह से गर्मी बढ़ी है। इस बीच अगले दो दिन तक भीषण लू चलने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं नरेला में 41.7 डिग्री, पीतमपुरा में 41.4 डिग्री, नजफगढ़ में 40.6 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 19 से 48% रहा था। वहीं दिल्ली में आज यानी बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना नजर आ रही है और दिल्ली का मौसम आज साफ रहेगा। हीट वेव चलने का अभी अनुमान है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और मौसम यहां भी साफ रह सकता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज दिल्ली में AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है और 346 रिकॉर्ड किया गया है। नोएडा के AQI भी खराब श्रेणी में है, 264 दर्ज हुआ है और गुरुग्राम का भी AQI बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है जो कि 327 रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।